हड़ताल डिक्लेयर किया गया था, लेकिन मेरे ख्याल से एक सप्ताह के बाद ही इसको जो है सामान्य चिकित्सालय घोषित कर दिया गया। और उसी दौरान हमारे यहाँ एक 2.5 साल का बच्चा पॉजिटिव आया था और जिसको की जो परिणाम आने के बाद से KGMU रेफर कर दिया गया। उसके बाद से जब से सामान्य अस्पताल है, सामान्य अस्पताल में है, जितने भी सुरक्षा के उपाय हैं उसको अपना करके सामान्य रूप से मरीज आकस्मिक सेवा चल रही है, फीवर क्लिनिक चल रही है और हर विशेषज्ञता का चिकित्सक हर समय उपलब्ध रहता है। अगर जिन मरीजों को जिस तरह की तकलीफ होती है वो रहती है, आजकल के मौसम में बेसिकली दिक्कत दवाओं की होती है, तो दवाओं के लिए ये किया गया है कि प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक हमारी एक काउंटर खुला रहता है, जो मरीज आ जाते हैं उनको दवाएँ उपलब्ध करा दी जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपकी ड्यूटी चलती थी पहले सामान्य दिनों में, उसी हिसाब से आपका रोटेशन रहता है या कुछ चेंज किया गया है? नहीं, देखिए प्रशासनिक से होने के प्रातः 8 बजे हम लोग आते हैं, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में जाते हैं, रात में फिर 8 बजे आकर के 10 बजे तक राउंड लेकर के जाते हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ जब से COVID-19 का संक्रमण हुआ है थोड़ी सी सतर्कता और सजगता बढ़ गई है, जिसे देखने के लिए कहीं कोई संदिग्ध मरीज अगर आता है जिसकी जाँच करा करके उसको जो है उचित स्थान पर संदर्भित कर दिया गया। डॉक्टर साहब, ऐसे समय में आप परिवार को टाइम दे लेते हैं? निश्चित रूप से परिवार को, देखिए जिस दिन से हम लोग चिकित्सक बने हैं उसी दिन से परिवार ये मान के चला था कि बहुत ज़्यादा परिवार के लिए नहीं है, और इस वक्त तो महामारी चल रही है, चिकित्सालय में सजगता सतर्कता बढ़ गई है, तो इसलिए परिवार को समय नहीं दिया जाता, लेकिन परिवार को इस बात का कोई दिलवा शिका नहीं। आप बीती जल बीती न्यूज़ से रामजीत त्रिपाठी, लखनऊ।